इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कुवत रमदान टी10 लीग के आज के दिन के दोस्तों पहले मुकाबले की। टूर्नामेंट का ये दोस्तों 27वां मुकाबला है जो यहाँ पे खेला जाने वाला है टीम CECC वर्सेस टीम AEC के बीच में। तो वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस मुकाबले में कौन से खिलाड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे स्मॉल लीग के लिए और कौन से खिलाड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ग्रैंड लीग के लिए। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन आप किसको करके चल सकते हो और किन प्लेयर्स को आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम में भी कर सकते हो। तो ओवरऑल आपको वीडियो काफ़ी अच्छे से वॉच करना है और समझना है अगर आप लोग इस मैच में विन करना चाहते हैं तो। बाकी जो भी फाइनल अपडेट होगा, जो भी मेरा फाइनल टीम होगा आफ्टर लाइन बी टॉस के बाद, या दोस्तों जो मेरा 100% विनिंग टीम होगा, जिस टीम के साथ मैं इन्वेस्ट करूंगा वो टीम आपको मिलेगा सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो जो भी भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी के समय ऑलमोस्ट 15,800 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन हैं और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो जो भी भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाना, फाइनल अपडेट और फाइनल टीम जो है आपको सिर्फ टेलीग्राम पर ही मिलेगा और ये आपके लिए ज़रूर भी है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी। तो ये काम दोस्तों जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं सबसे पहले इस मैच के वेन्यू की। तो ये मैच खेला जाएगा सोलाबिया ग्राउंड पे जहां पर इनके बाकी के मैचेस खेले गए हैं और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर आपको यहां पे 102 रनों के आसपास बनता हुआ नजर आ जाएगा। CECC की अगर मैं बात करूं तो टूर्नामेंट के अंदर इनकी टीम 3 मैचेस खेल के आई है जहां पर 2 मैचेस इनकी टीम जीती है और 1 मैच इनकी टीम हारी है। जबकि अगर मैं बात करूं यहां पे टीम AEC की तो इनकी टीम भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि इनकी टीम ने 3 मैच खेले हैं और तीनों ही मैचेस इनकी टीम जीती हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई दोनों ही टीम्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। AEC का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी जो है आप इनकी ओर से पिक कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कीपिंग की। तो कीपिंग सेक्शन से पहला नाम निकल के आता है सी आंटो की मैं बात करूं तो अपनी टीम के लिए विकेट कीपिंग करते हैं और साथ में आपको अपनी टीम के लिए ओपन करते हुए भी नज़र आ जाएंगे। लास्ट मैच में देखा जाए तो अपनी टीम के लिए इन्होंने 18 रन बनाए हैं तो मेरे हिसाब से इस मैच में भी अच्छा कर सकते हैं तो आप यहाँ से इनको पिक कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे निकल के आता है जे विल्सन का AEC की ओर से ही। जे विल्सन की मैं बात करूँ तो भाई इनका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा नीचे है तो इनको पिक करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की रहेगा तो मैं इनको ट्राई करने वाला नहीं हूँ। ए गफूर की मैं बात करूँ जो कि CECC की ओर से आते हैं तो भाई ए गफूर की बात की जाए तो ये जो है अपनी टीम के लिए विकेट कीपिंग करते हैं और अपनी टीम के लिए ओपन भी करते हुए नजर आ जाएंगे। लास्ट मैच देखा जाए तो काफ़ी शानदार इन्होंने 53 रन की इनिंग अपनी टीम के लिए खेली है तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं तो आप यहाँ से इनको पिक कर सकते हो। तो कीपिंग सेक्शन से मैंने यहाँ से 2 विकेट कीपर ट्राई किए हैं जहाँ पे पहला नाम निकल के आता है सी आंटो का, दूसरा नाम निकल के आता है ए गफूर का। बैटिंग की अगर मैं बात करूँ तो बैटिंग सेक्शन में पहला नाम निकल के आता है एस चिंतांका की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट मैच में नंबर 3 पर अपनी टीम के लिए बैटिंग करने आए थे और 9 गेंदों पर इन्होंने दोस्तों 32 रन की इनिंग खेली हुई थी तो देखा जाए काफ़ी कमाल का बैट्समैन है, इस मैच में भी अच्छा कर सकता है। दूसरा नाम निकल के आता है दोस्तों यहाँ पे ए रत्नम का। ए रत्नम की मैं बात करूँ तो भाई बैटिंग ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा इनका नीचे है तो इनको पिक करना भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है तो मैं ट्राई करने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैं बात करूँ रत्नम की तो मेरे हिसाब से देखो इतना कुछ खास नहीं है, लास्ट मैचेस से भी परफॉर्मेंस इनका इतना कुछ अच्छा रहा नहीं तो मैं इनको ट्राई नहीं करूँगा। नैन जीत जो कि इन्हीं के टीम से आते हैं, 58% लोगों ने नैन जीत को ट्राई करके रखा है, इनका भी बैटिंग ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा नीचे है तो इनको भी पिक करना एक रिस्क है तो इनको भी ट्राई नहीं करते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रदीप की जिनका भाई सिलेक्शन है 45%, यानी कि आधे से ज़्यादा लोग इनको लेके जा रहे हैं। लास्ट मैच में देखा जाए तो नंबर 3 पर बैटिंग भी करने आए थे और अपनी टीम के लिए 34 रन की इनिंग इन्होंने खेली हुई थी तो इस मैच में भी मुझे उम्मीद है कि भाई इतने रन बनाएंगे तो मैं इनको लेके जाऊँगा। फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नाम निकल के आता है संजीवा का। संजीवा की अगर बात की जाए तो भाई 50% लोग लेके जा रहे हैं। संजीवा ने भी लास्ट मैच में देखा जाए तो 25 रन अपनी टीम के लिए बनाए थे लेकिन इनका भी जो बैटिंग ऑर्डर था वो नंबर 4 के आसपास था तो आप इनको भी कंसीडर कर सकते हो। तो बैटिंग सेक्शन से अभी के लिए मैंने जो 3 मैन बैट्समैन ट्राई किए हैं वो यहाँ से चिंतांका, प्रदीप और यहाँ पे संजीवा है। इसके अलावा यहाँ पर एक और नाम निकल के आता है भाई आर रेजी की बात की जाए एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि बैटिंग भी कर सकता है और बॉलिंग भी कर सकता है। बैटिंग बॉलिंग इनका जो है वो कुछ फिक्स नहीं है। लास्ट मैच की मैं बात करूँ तो कुछ खास इतना किया नहीं था लेकिन उससे जो पिछले मैचेस रहे वहाँ पर देख सकते हो बहुत ही शानदार बैटिंग इन्होंने की है, चाहो तो ट्राई करके जा सकते हो लेकिन अभी के लिए मैंने भाई जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है उन पर भरोसा दिखाया है।
ऑलराउंडर की मैं बात करूँ, नाम निकल के आता है भाई नाज़र का। नाज़र की बात की जाए तो लास्ट मैच में एक ओवर की बॉलिंग की थी, काफ़ी ज़्यादा महंगे साबित थे, विकेट भी नहीं निकाला था। लेकिन अगर मैं बात करूँ बैटिंग की तो लास्ट मैच में नंबर 4 पर बैटिंग भी करने आए थे और अपनी टीम के लिए इन्होंने भाई 35 रन की शानदार इनिंग खेली थी। तो इस मैच में भी इंपॉर्टेंट है, आप ट्राई कर सकते हो। राजेंद्रन की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो लास्ट मैच में राजेंद्रन ने भी 2 ओवर की बॉलिंग की है और अपनी टीम के लिए 2 विकेट निकाले हैं। तो इस मैच में भी मुझे उम्मीद है कि अच्छा करेंगे, तो इनको भी पिक करना ज़रूरी है। फिर यहां पे दोस्तों नाम निकल के आता है एराज का। एराज ने भी लास्ट मैच में 2 ओवर की बॉलिंग की है, इन्होंने भी विकेट निकाला है, तो मैं यहां से दोस्तों इनको भी ट्राई करूंगा। बाकी यहां पे ऑलराउंडर सेक्शन से देखा जाए तो 2 नाम और आते हैं। एक तो नाम आता है भाई एम असलम का और एक नाम निकल के आता है यहां पे दोस्तों लहिरू का। एम असलम की बात की जाए तो भाई लास्ट मैच में बल्लेबाजी बहुत ही कमाल की रही, 49 रन अपनी टीम के लिए बनाए और सबसे बड़ी बात थी कि भाई ओपन करने आए थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो बैट्समैन काफ़ी बेहतरीन है। और अगर मैं बात करूं भाई गेंदबाजी की तो गेंदबाजी से भी असलम ने अपनी टीम के लिए 2 विकेट निकाले थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक नाम यहाँ पे दोस्तों निकल के आता है डी लहिरू का, तो ये भी बहुत ही शानदार खिलाड़ी है। लास्ट मैच में इन्होंने भी अपनी टीम के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, हालांकि विकेट इनको लास्ट मैच में नहीं मिला था और ना तो भाई ये बैटिंग से कुछ खास कर पाए थे, लेकिन जो बाकी के मैचेस टूर्नामेंट के अंदर रहे हैं वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है। इसके अलावा यहां पे राजेंद्रन को आप चाहो तो अपनी टीम से बाहर रख सकते हो, लेकिन राजेंद्रन ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर मैं बात करूं भाई अरुण राज की तो ये भी बहुत ही शानदार परफॉर्मर है, तो इनको भी ड्रॉप में नहीं करूंगा। बॉलिंग की बात करते हैं तो बॉलिंग सेक्शन से नाम निकल के आता है चंद्रन का। चंद्रन की अगर मैं बात करूं तो लास्ट मैच में अपनी टीम के लिए इन्होंने 2 ओवर की बॉलिंग की है, 1 विकेट इन्होंने अपनी टीम के लिए निकाला है, तो मैं इनको पिक कर लेता हूं। बाकी आप देखोगे तो ज़्यादा कुछ बॉलिंग ऑप्शंस मौजूद नहीं है। एक नाम आता है अरुणदीप करके, अरुणदीप की मैं बात करूं तो लास्ट मैच में इनको 1 विकेट मिला है, सिलेक्शन इनका काफ़ी कम है, तो मैं ट्राई नहीं करूंगा। काबिर अहमद ने लास्ट मैच में सिर्फ 1 ओवर किया था। बाकी यहाँ पे नाम निकल के आता है वसंता का, जिनको 20% लोग लेके जा रहे हैं, और लास्ट मैच में वसंता भी 2 ओवर की बॉलिंग किए थे पर इनको विकेट नहीं मिला था। ठीक है, बाकी अभी के लिए जो मेरी टीम है वो यहाँ पे रेडी हो चुकी है। जो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे हमने उनको अपनी टीम में पिक करके रखा हुआ है। नयन जीत ने भी लास्ट मैच में 1 ओवर की बॉलिंग की हुई थी, तो अगर आप चाहो तो इनको प्रदीप की जगह पर ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये आपका खुद का रिस्क रहेगा क्योंकि कन्फर्म नहीं कि नयन जीत इस मैच में भी आपको बैटिंग करके देंगे। ठीक है, बाकी अभी के लिए मैं नयन जीत को रख लेता हूँ, जो कि एक बॉलिंग का ऑप्शन हमें प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारी जो टीम है दोस्तों रेडी हो चुकी है, दोनों ही टीम्स स्ट्रांग है, तो एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन बनाने की मैंने कोशिश की है। 6 खिलाड़ी मैंने यहाँ पे CECC के लिए, 5 खिलाड़ी मैंने यहाँ पे टीम AEC के लिए। बात करता हूँ कि भाई अपनी इस टीम में मैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन किसको बनाऊंगा, तो मेरे भाई मेरी टीम में कैप्टन जो है वो यहाँ पे असलम रहेंगे और वाइस कैप्टन जो है वो यहाँ पे चिंतांका रहेंगे, क्योंकि असलम और चिंतांका दोनों ही आपको बैटिंग करके देंगे और दोनों ही आपको बॉलिंग करके देंगे। ठीक है, तो ये जो है मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन रहने वाले हैं। बाकी अगर आपको सेफ जाना है तो आप यहाँ पे AV नाजर को भी कैप्टन या वाइस कैप्टन दे सकते हो। तो हमारी जो टीम है दोस्तों रेडी है, इसको सेव कर देते हो और एक बार आप इसका प्रीव्यू देख लीजिए। तो सेम टीम के साथ आप स्मॉल लीग ज्वाइन करिए, सेम टीम के साथ आप ग्रैंड लीग ज्वाइन करिए। बाकी मेरी जो भी फाइनल अपडेट रहेगी, जो भी फाइनल टीम रहेगी, आपको सीधा मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो जो भी भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के समय ऑलमोस्ट 15,800 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन है और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो जो भी भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाएं। फाइनल अपडेट, फाइनल टीम जो है आपको सिर्फ टेलीग्राम पर ही मिलेगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और घंटा दबा लेना आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलेंगे आपसे जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में एक और नए मैच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।